होगा, इसीलिए सरेआम रांची जैसे मुख्यालय राजधानी में भी दिन में गोली चल रहा है। यही हेमंत सरकार का 3 साल का व्यवस्था है, यही शासन। हमने लगातार कहा है कि राज्य के अंदर एक बड़ा समाज अपने साधना धर्म कोर्ट की मांग कर रहा है, अपने शेड्यूल ट्राइब में छूटे हुए ऐसे समाज को लाने की बात और चर्चा चल रही है। इन सभी मुद्दों के साथ साथ इस राज्य में आज का हम लोग प्रारंभ में जब राज्य सरकार या राज्य चलती थी और लोग का मानक और मानना है कि जो अधिकारी अच्छा होगा, जो अधिकारी अच्छा सेवा देगा या जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो काम करने में दक्ष होगा, जो जनता की सेवा बेहतर रूप से कर सकता है, शासन का बेहतर नेतृत्व कर सकता है, उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक जिला के बड़े पदों पर लाने की तैयारी सरकार की होती थी। लेकिन आज देखो आज का हालत क्या है, जो सबसे ज्यादा लूट कर सकता है उसी अधिकारी को वो जगह पर मिल रहा है, उसी अधिकारी का चयन हो रहा है। चयन का मापदंड बदल गया है, चयन का मापदंड में जो अधिकारी ज्यादा लूट करेगा वही अधिकारी को वीडियो सीओ डीसी से लेकर सरकारी सचिव बड़े पदों पर भी वही व्यक्ति बैठ रहे हैं। यही सच्चाई है आज के दिन। मानक बदल गया, एक अदना आदमी भी थका हुआ महसूस कर रहा है। गांव में एक जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए भी दान देना और दक्षिणा दिए बगैर जाति आय भी नहीं बन रहा है। मैंने खुलेआम कहा था, सरकार अगर मत है तो सामने आकर बताइए कि सरकार का एक भी काम बिना दक्षिणे का किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो सरकार सामने आकर अपनी बात रखे कि ऐसा हो रहा है। पूरे राज्य में यह अराजकता है, और जिस राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम रहेगी, जिस राज्य का हालत ऐसा रहेगा, वो निश्चित रूप से उस राज्य का भविष्य क्या होगा और उसकी कल्पनाएं कहां तक जाएगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये राज्य के लिए एक अराजकता का विषय, गवर्न ऑर्डर का विषय, अनिश्चितता का विषय, यहाँ का आज और कल दोनों अंधकार नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि इस वर्ष हम लोग आंदोलन का वर्ष तय करते हुए लोगों और जनता के बीच जाकर हम लोग अपनी बात को मुखर रूप से रखने का, जनता की गोलबंदी करने का और अपनी बात को फिर से मुख्यालय तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी के साथ 24 जिला में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज रांची में भी आज आके ये केवल सांकेतिक कार्यक्रम है, ये जानकारी दे रहे हैं अगला इसी माह के अंत में पूरा प्रदेश भर का लोग रांची पहुंचेगा और सामाजिक न्याय मार्च करेंगे। ये तैयारी हम सामाजिक न्याय पर, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि 200 ओबीसी के छोटी बड़ी जातियां यहां पर है। इस राज्य का आकलन और मूल्यांकन होना चाहिए। बिहार में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्य अपने राज्य